तो इस कहानी के शुरू में हम मैथ्यू से मिलते हैं जिसकी वाइफ क्लेयर को कैंसर है। मेडिकली अब उसका इलाज पॉसिबल नहीं क्योंकि कैंसर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। क्लेयर ये बात अच्छे से जानती थी इसीलिए अब उसने अपना इलाज करवाना भी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि अपना ब्लड सैंपल लेने से भी। पर फिर मैथ्यू के इंसिस्ट करने पे उसे अपनी नर्स को अपना ब्लड सैंपल देना पड़ता है। ब्लड सैंपल लेकर जैसे ही नर्स बाहर जाती है, मैथ्यू का कजिन उसे बातों में लगा लेता है और यहाँ मैथ्यू अपनी ही वाइफ का ब्लड सैंपल उसके पास से चुरा लेता है। इस सब के पीछे रीजन क्या है ये तो हमें आगे ही जाकर मालूम होगा। नर्स के जाने के बाद जब मैथ्यू का कजन उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तब मैथ्यू उसे भी बस इतना ही कहता है कि मुझे क्लेयर को ठीक करने का एक नया रास्ता मिला है। साफ जाहिर था कि उसने ब्लड चुराया है तो वो कोई रिचुअल ही करने वाला था। वो अब बार में जाकर एक एल नामी आदमी से मिलता है जो उसे क्लेयर को ठीक करने का एक रिचुअल बताने वाला था। ये लोग एक बहुत ही भारी बोरी को अपने घर ले आते हैं। एल कहता है इसे ऐसी जगह पर रखना जहाँ किसी का आना जाना ना हो, इसीलिए मैथ्यू उसे बेसमेंट में रख देता है। अब एल उसे कहता है कि तुम एक कैंडल लेना, कैंडल जलाने के बाद तुम क्लेयर का ब्लड इस बोरी के अंदर डाल देना, फिर अपनी विश मांगना। याद रहे कि विश मांगने के बाद ना तो तुमने इस बोरी की तरफ देखना है और ना ही इसे छूना है। याद रखे जिस कमरे के अंदर ये बोरी है तुमने वहाँ जाना भी नहीं, तुम उल्टे कदमों वहाँ से वापस आ जाना और फिर बस ये बोरी अपना कमाल दिखाएगी। याद रहे कि इस बोरी से बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। मैथ्यू कहता है अरे मैं पागल हूँ, मैं क्यों उससे बातें करूंगा। एल जवाब में कहता है ये बात तो तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जान जाओगे। हो सकता है कि 3 दिन तक तुम्हारे घर में कुछ ऊट पटांग की चीजें हों, तुम्हें उन चीजों को बर्दाश्त करना है और 3 दिन बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वो आदमी मैथ्यू के घर से चला जाता है। रात होने पर हम देखते हैं कि मैथ्यू उसी रिचुअल को करने के लिए बेसमेंट में आ गया है। एल के कहने के मुताबिक उसने कैंडल जलाई, अपनी वाइफ क्लेयर का ब्लड उस बोरी में डाला और विश मांगकर उल्टे कदमों पीछे की तरफ हो गया। लेकिन यहाँ तभी गलती से दरवाजा बंद करते हुए अब उसका लाइटर इसी कमरे के अंदर गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए मैथ्यू को इस कमरे का दरवाजा खोलना पड़ा और ऐसे मैथ्यू ने रिचुअल का एक असूल तोड़ दिया क्योंकि उसकी नजर अब बोरी के ऊपर भी पड़ गई थी जो बोरी हिल रही थी। जरूर उसके अंदर कोई एनर्जी, कोई एंटिटी थी। वो इन चीजों को इग्नोर करते हुए यहाँ से बाहर निकल आता है। हम देखते हैं कि मैथ्यू ने क्लेयर के लिए एक स्टूडियो भी बनाया था, वो दोनों ही सिंगर थे। मैथ्यू चाहता था कि वो दोनों यहाँ पर अपने गाने गाएं, लेकिन शायद अब क्लेयर इस स्टूडियो को देखे बिना ही मर जाती। वो अपने कजन के साथ यही सारी बातें कर रहा था कि अचानक उसे क्लेयर की आवाज आती है। वो भागकर कमरे में जाता है तो देखता है कि क्लेयर तो सो रही थी, यानी ये उसका वहम था। अब अगले दिन जब वो खाना बनाने लगता है तो दोबारा उसे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है अपने मोबाइल के रेडियो पर, और इस आवाज को सुनकर इस मरतबा वो बुरी तरह डर गया था। रात में भी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, उसे अभी भी किसी की आवाज सुनाई दे रही थी पर अब ये आवाज काफी क्लियर थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे क्लियर कह रही हो पता नहीं क्यों कैंसर मुझे हो गया, कैंसर तो मैथ्यू को होना चाहिए था। और ये बात सुनकर मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है कि वो क्लेयर के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और क्लेयर ऐसी बातें कर रही है। उसी में वो क्लेयर के रूम में जाता है तो देखता है कि क्लेयर तो सो रही थी, उसने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। वो समझ गया कि बेसमेंट में वो जो बोरी लेकर आया था उसके अंदर की पावर से शायद ये सब कुछ कर रही है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि दोबारा मैथ्यू का कजन उसके पास आता है। ये लोग यहाँ पर गोल्फ खेलने लग जाते हैं और गलती से उनकी बॉल बेसमेंट के उसी कमरे में चली जाती है जहाँ पर जाना किसी को भी मना था। मैथ्यू का कजन जब ये बॉल लेने वहाँ जाने लगता है तो मैथ्यू उसे रोक देता है और खेलने से ही मना कर देता है। मैथ्यू के कजन को ये बात काफी अजीब लगी, इसलिए मैथ्यू के यहाँ से चले जाने के बाद वो उस रूम को खोल देता है। न सिर्फ उसने इस रूम को खोला था, उसने तो उस बोरी को देख लिया था। ऐसे रिचुअल के कई रूल्स टूट गए थे और हो सकता था कि अब रिचुअल उल्टा पड़ जाए। ये लड़का जब जाकर मैथ्यू से उस बोरी के बारे में पूछता है तो मैथ्यू उसके ऊपर गुस्सा होने लगा, आखिर तुमने वो कमरा खोला ही क्यों, तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था। गुस्सा करने के बावजूद भी मैथ्यू उस आदमी को कुछ नहीं बताता, बस इतना ही कहता है कि मैं अपनी वाइफ को ठीक करना चाहता हूँ। फिर वक्त गुजरता रहता है और मैथ्यू के साथ अजीब चीजों का होना जैसे अब रूटीन बन चुकी थी। उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, अजीबोगरीब कॉल्स आती थी, यहाँ तक कि अब उसे एक लड़की भी नजर आने लगी थी जिसके हाथ पे काला निशान बना होता था। इन चीजों से वो अब डरने भी लगा था। अब एक दिन मैथ्यू को एक पार्सल रिसीव होता है, ये पार्सल क्लेयर ने अपने लिए मंगाया था। जैसे ही मैथ्यू ये पार्सल खोलता है उसके अंदर से निकलता है उसकी वाइफ क्लेयर का कटा सर। देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है और इस बॉक्स को अपने सिर पर फेंक देता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर क्लेयर भी व्हील चेयर पे बैठ कर बाहर आती है और इस बॉक्स को उठाते हुए दिखाती है कि उसमें तो सिर्फ उसकी मंगवाई हुई बिक थी, चीजें काफी खतरनाक होती जा रही थी। अब तो अपनी हालत से भी मैथ्यू को शदीद डर लगने लगा था। वो इन सब चीजों के बारे में एल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन एल उसका फोन नहीं रिसीव करता। एल का एड्रेस भी उसे नहीं मालूम था कि वो जाकर उससे मिले। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर की तबीयत में काफी सुधार आ रहा था, ऐसे जैसे वो रिचुअल उसका काम करने लगा हो। वो खुद ही व्हील चेयर पे बैठ कर किचन तक आती है। ये देखकर मैथ्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मैथ्यू अब स्टोव की तरफ मुड़कर कुकिंग करने लग जाता है, तभी एकदम से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। पहले मैथ्यू को लगा कि शायद ये क्लेयर है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ की तरफ देखा ये काला
और खौफनाक हाथ था जिससे वो डर गया। उसे मालूम हुआ कि उसके पीछे जो उसकी वाइफ थी वो भी असल में क्लेयर नहीं बल्कि वो एंटिटी थी। देखकर वो गुस्से में एंटिटी से कहता है चली जाओ यहाँ से। पीछे मुड़ने पे उसने देखा कि उसकी वाइफ क्लेयर अभी तक व्हील चेयर पर बैठी थी। वो जो इस सारे रिचुअल के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उसे लगता है कि मैथ्यू ने उसे डांटा और उसे डिसरिस्पेक्ट करके यहाँ से जाने को बोला, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। क्लेयर ने इस चीज का सदमा अपने ऊपर ले लिया था। रात में वो अपनी नस काट लेती है। जैसे ही मैथ्यू ये चीज दिखता है तो फौरन डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन कॉल दूसरी तरफ से कोई एंटिटी उठाती है और उससे कहती है कि ये सब तुमने किया है, तुमने अपनी वाइफ क्लेयर को मारा है। एकदम से चाकू मैथ्यू के हाथ में आ जाता है और मैथ्यू होश में आता है। उसे मालूम होता है कि ये सब एक सपना था। फिर अगले दिन देखने को मिलता है कि जब मैथ्यू अपने कमरे में सो रहा था तब क्लेयर अपने पांव पे चढ़कर खुद उसके पास आती है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो पहले से काफी ठीक हो रही थी। वो आकर मैथ्यू के पास लेट गई। कुछ देर यहाँ उन्होंने बातें की, जिसके बाद क्लेयर उठकर वॉशरूम के लिए चली गई। उसके वॉशरूम में जाते ही यहाँ पर मैथ्यू को कॉल आती है। कॉल पे दूसरी तरफ क्लेयर थी और ये जानकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि अभी जो उसके पास लेट के गई थी वो कोई क्लेयर नहीं बल्कि क्लेयर के फेस में एक एंटिटी थी। वो भागकर क्लेयर को देखने के लिए रूम में आता है। क्लेयर सच में अपने रूम में थी। डर में भागकर वो इस कमरे से बाहर आता है तो अब उसे वही एंटिटी दिखाई देती है जिसे पहले भी कई मरतबा वो देख चुका है। उसके हाथ पे हमेशा काला निशान बना रहता है। इस एंटिटी से डरते हुए मैथ्यू को पता ही नहीं चलता कि कब वो बेसमेंट में उसी कमरे में चला गया जहाँ पे जाना मना था। अब उसकी नजर उस बोरी के ऊपर भी पड़ जाती है। डर कर उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है और बोरी में से एक हाथ निकल कर उस टॉर्च को उठा देता है। ये भयानक हाथ देख कर डरते हुए मैथ्यू कहता है चली जाओ पसंद है, और वो हाथ भी जैसे उसकी बात मानते हुए अंदर चला गया था। मैथ्यू ने अब इस रूम के डोर को लॉक भी कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे आवाजें साफ सुनाई दे रही थी कि प्लीज मुझे निकलने दो यहाँ से। वो दोबारा क्लेयर के रूम में आता है तो देखता है कि क्लेयर वहाँ थी ही नहीं। उसे ढूंढते हुए वो स्टूडियो में आ जाता है जहाँ क्लेयर अपना स्टूडियो देखकर बहुत खुश थी। वो क्लेयर को सब सच बताना चाहता था। वो बता देता है कि क्लेयर मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए एक कल्ट ज्वाइन किया है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये रिचुअल तुम्हें पहले जैसा कर देगा, बस मुझे इस रिचुअल के लिए कोई कीमत अदा करनी होगी। क्लेयर पूछती है कैसी कीमत। मैथ्यू बताता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई कीमत चुकानी है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इतनी देर में मैथ्यू को क्लेयर की नर्स की कॉल आती है जो क्लेयर की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। मैथ्यू उसे बताता है कि क्लेयर पहले से बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और ये खबर सुनकर नर्स भी शॉक रह चुकी थी क्योंकि उसने तो यही बताने के लिए कॉल की थी कि क्लेयर के पास अब 2 से ज्यादा दिन नहीं है। जितना हो सके उसके साथ रहे और इस हकीकत को अपना ले। जब तक मैथ्यू नर्स से बात कर रहा था क्लेयर अब उस बेसमेंट वाले कमरे में चली जाती है। इस बोरी को देखते ही क्लेयर की तबीयत अजीब होने लगी थी और एकदम से वो बेहोश हो गई। मैथ्यू भी ठीक वक्त पर क्लेयर के पास आ चुका था। वो जल्दी से क्लेयर को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और वो क्लेयर को ऐसे नहीं देख सकता था। वो सोचता है बस बहुत हो गया। वो अब इस बोरी को उठाकर घर से बाहर फेंकना चाहता था क्योंकि वो और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ये बोरी पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। उसे अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। वो यहाँ एल को कॉल करता है लेकिन एल कॉल रिसीव नहीं करता। तब वो एल को एक मैसेज ड्रॉप कर देता है कि वो उस बोरी को फेंक रहा है। ऐसा करते हुए उसने एक और रूम रिचुअल करके तोड़ दिया था कि उसने इस बोरी को हाथ लगा दिया था। ये सब करने के बाद जब लैपटॉप पे मैथ्यू अपना काम करने के लिए बैठता है तो एकदम से उसके लैपटॉप पे भयानक तस्वीरें आने लगती है। ये सब क्लेयर की टेस्ट रिपोर्ट्स थी जिन्हें देखकर वो घबरा गया। इससे पहले कि वो पूरी तरह पागल होता अब वो फैसला करता है कि किसी तरह वो एल को ढूंढ कर रहेगा। वो अब उसी बार में जाता है जहाँ पहली मरतबा उसे एल मिला था। बार में काम करने वाली लड़की मैथ्यू की दोस्त थी। वहाँ के डाटा के जरिए वो एल के घर का पता चला लेते हैं। बिना वक्त साइड के वो एल के घर जाता है तो दरवाजा नॉक करने पर ये दरवाजा एक लड़की खोलती है। मैथ्यू पूरी तरह शॉक था क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसे बार बार अपने घर पे दिखाई देती थी, जिसके हाथ पे काला निशान था हर वक्त। ये लड़की काफी अजीब थी। इसे बात करने पर मैथ्यू को पता चला कि ये एल की बेटी है। अब वो एल को बुला कर लाती है। जब एल यहाँ पे आता है तो उसकी बेटी एल से कहती है इसे समझा दे कि इसे हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी अजीब बात सुनकर मैथ्यू शेर से खड़ा हो जाता है और उस बच्चे के डैड यानी एल उसे समझाते रह जाते हैं। ठीक है मैं समझा दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। अब एल मैथ्यू के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने रिचुअल का कोई रूल तो नहीं तोड़ा। जब मैथ्यू यहाँ कुछ नहीं बताता तो एल उससे कहता है देखो इस रिचुअल के अंदर बहुत सी एंटिटीज इन्वॉल्व करती हैं और वो सब तुम्हें डराएंगी। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, तुम्हें उन चीखों की आदत अब हो जानी चाहिए। देखो अभी तो तुम्हें इस तरह की और भी बड़ा कुछ बर्दाश्त करना है। मैथ्यू एल से कहता है आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते। जिस पर एल अब उसे उस बोरी की कहानी सुनाता है। असल में उस बोरी के अंदर जो एंटिटी है वो किसी को भी ठीक नहीं करती,
वो बस उसका रिप्लेसमेंट इनहेरिट देती है। उसे समझाने के लिए एल बताता है कि तुम्हें यहाँ जो मेरी बेटी नजर आ रही है वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी मर गई है और ये मेरे साथ कोई और रहती है। ऐसा ही अब तुम्हारे साथ होगा और ये सच्चाई तुम्हें मान लेनी चाहिए। यदि वो एंटिटी इनकी विश ऐसे ही पूरी नहीं करती थी, वो एंटिटी इनकी ख्वाहिश इनकी विश पूरी करने के लिए इनकी उसी विश की कुर्बानी ले देती थी। जैसे एल अपनी बेटी को सही करना चाहता था और उस एंटिटी ने उसकी बेटी को ही मार दिया और यहाँ उसका रिप्लेसमेंट उसे दे दिया। ऐसे ही अब ये एंटिटी मैथ्यू के साथ करने वाली थी, यानी वो क्लियर का इलाज नहीं कर रही थी बल्कि वो क्लियर को मार दी थी और क्लियर के बदले फिर मैथ्यू के साथ कोई और रहता। मैथ्यू एल से पूछता है फिर आपकी बेटी उसकी बॉडी कहाँ है। एल उसे बेसमेंट में ले जाता है जहाँ वो देखता है कि असल में एल की बेटी उल्टियाँ कर रही थी, वो भी काले रंग की। उसका मुंह बहुत ही डरावना दिख रहा था। डरकर मैथ्यू वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल आता है। वो जैसे ही घर पहुंचा उसे दरवाजे पे अपना कजन नजर आया जिसे लेकर वो फौरन अंदर चला गया। वो अपने कजन से कहता है कि मैं क्लियर को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते अब बहुत देर हो चुकी थी। क्लियर पहले से ही मर चुकी थी। उसकी मौत मैथ्यू को बुरी तरह तोड़ देती है। घंटों वो यहाँ बैठ कर रोने लग जाता है। उसके कजन को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। रोते रोते एकदम से मैथ्यू उठा और उसने अपने कजन को कहा चलो मेरी मदद करो। इस लड़की को समझ से ही आ रही थी कि एक मिनट में मैथ्यू को हो क्या जाता है। वो अपने कजन के साथ मिलकर उस बोरी को उठाकर अब इस कमरे में ले आया। बैग को यहाँ लाने के बाद मैथ्यू क्लियर की लाश को इस बैग के अंदर डाल देता है। उसके कजन को लग रहा था कि मैथ्यू को गहरा सदमा पहुंचा है इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। क्लियर की लाश को इस बोरी में डालने के बाद मैथ्यू इसे बंद कर देता है और मैथ्यू का कजन उसे इस कमरे से बाहर लाकर कमरा लॉक कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मैथ्यू इस लाश के साथ कुछ और भी बुरा करेगा। अब वो मैथ्यू को फोन करता है कि खबरदार तुम अगर इस कमरे में गए तो मैं खुद अब वहां जाऊंगा और क्लियर की डेड बॉडी को बाहर लेकर आऊंगा। वो जैसे ही कमरे के अंदर गया तो दिखाया गया कि अब उस बोरी के अंदर से खौफनाक एंटिटी बाहर निकली। वो बड़े बड़े अपने हाथों से इस आदमी का पूरे तरीके से मर्डर कर देती है। बुरी हालत में मैथ्यू का कजन कमरे से बाहर निकलता है जिसे देखकर मैथ्यू भी शॉक था। फिर उसे एंटिटी का डरावना हाथ दिखाया जाता है और एकदम से एंटिटी उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पूरी तरह हम एंटिटी को तो नहीं देख पाते लेकिन ये जरूर दिखाया जाता है कि वो एंटिटी मैथ्यू के मुंह के अंदर काली उल्टियां कर रही है और सीन यहीं से कट हो जाता है। मैथ्यू के घर पर इस टाइम नर्स आई थी क्लेयर की तबीयत को देखने के लिए। मैथ्यू जाकर दरवाजा खोलता है और हम ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैथ्यू बिल्कुल ठीक था। अभी जो एंटिटी उसके ऊपर उल्टियां कर रही थी ऐसा कोई भी सिम्टम उसके साथ नहीं था। वो इस नर्स के साथ भी ऐसे कहता है जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो, जैसे क्लेयर भी जिंदा हो। वो नर्स को लेकर अंदर आ जाता है और जब नर्स उससे क्लेयर के बारे में पूछती है तो वो उससे कहता है चलो जाकर कमरे में उसे देख लो। ये सब मैथ्यू ने जान बूझ के किया था। मैथ्यू जानता था कि क्लेयर के कमरे में अभी वो एंटिटी थी और इस नर्स के जाते ही वो एंटिटी इस नर्स को मार देती है और फिर उसे उठाकर बोरी में डाल देती है। इस नर्स की कुर्बानी के बदले वो एंटिटी मैथ्यू को क्लेयर को जिंदा कर देती है। असल में उसने क्लेयर को जिंदा नहीं किया था, बस क्लेयर की बॉडी को जिंदा कर दिया था और उसकी बॉडी के अंदर इस टाइम थी कोई और ही एंटिटी जो पूरी जिंदगी अब मैथ्यू के साथ ही रहने वाली थी। अब इस रिचुअल का एक पार्ट जो मैथ्यू को अभी भी पूरा करना था उसे अपनी विश पूरी करने के बाद ये बोरी किसी और को देनी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एल ने उसे दी थी। इसके लिए वो बाहर में अपनी एक दोस्त से मिलता है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी। वो इस लड़की को अपनी बातों में लगा लेता है कि तुम एक रिचुअल करो और उससे तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो लड़की भी उसकी बात क्यों ना मानती, उसके सामने तो एविडेंस था कि मैथ्यू की इतनी बीमार वाइफ अब उसके साथ बार में आया करती थी, डांस करती थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। हालांकि वो क्लेयर की हकीकत नहीं जानती। मैथ्यू की बातों में आकर वो इस बोरी को अपने घर ले जाती है। मैथ्यू का सारा रिचुअल सारा मकसद पूरा हो जाता है और इसी के साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।